नमस्कार दोस्तों, आयकर संबंधी अपनी चर्चा की श्रृंखला में आज का विषय जो कि बहुत सरल परंतु महत्वपूर्ण विषय है, इज सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल। व्हाई? रिसेंटली सर, आप सब की नॉलेज में ऐसा आया होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ई कैंपेन के जो नोटिसेज दिए गए हैं उनमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट को भारत सरकार ने रिपोर्ट किया है। तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करना है, इससे जुड़े क्या महत्वपूर्ण आयकर संबंधी पहलू हैं, उन्हीं पर आपका ध्यान दिलाते हुए ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने आज की कवरेज में क्या क्या पॉइंट्स हैं, अंडर विच सेक्शन सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन इनकम टैक्स लॉ, व्हाट आर द डिडक्शंस अवेलेबल अगेंस्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट, व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट, व्हाई टैक्स इज नॉट डिडक्टेड ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट, व्हाट इफ यू हैव अ ज्वाइंट अकाउंट, अगर आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है, संयुक्त खाता है, उसमें आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे कैसे ITR में ऑफर करना है, एंड व्हाट इफ यू डोंट रिपोर्ट सच इनकम इन ITR, अगर आप ऐसी इनकम को ITR में नहीं बताते तो उसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, वो भी मैं आपके ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, अंडर विच सेक्शन सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन इनकम टैक्स लॉ। तो बहुत सरल आंसर है सर, इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 56 ये कहती है कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो निकल करके आता है वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के ही हाथ में सर टैक्सेबल होगा। मैं यहां पर इंडिविजुअल HUF का केस मान लेता हूं। हाँ, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है और आपको NRE अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक का, वो टैक्सेबल नहीं है। बाकी सारी परिस्थितियों में सर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगला प्रश्न है सर, What are the deductions available against it? सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपको क्या डिडक्शन उपलब्ध है? सबसे पहला डिडक्शन सर, हालांकि ये बहुत मुश्किल है इस तरीके से डिडक्शन ले पाना, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बात रखता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की बात है। सेक्शन 57, मान लीजिए मैंने किसी से पैसा उधार लिया और टाइमिंग उस उधार लिए गए पैसे को मैंने अपने सेविंग बैंक इंटरेस्ट में रख दिया, तो एक और मैं उधार लिए पैसे पर ब्याज दे रहा हूं, दूसरी ओर मैं सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो ये जो ब्याज मैंने दिया है दूसरे व्यक्ति को जिससे मैंने पैसा उधार लिया, उसको मैं अपने सेविंग बैंक के ब्याज के अगेंस्ट में 1:1 कोरिलेशन होने पर डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकता हूं। अगला इंपॉर्टेंट डिडक्शन है सर ATTTA, जो एक इंडिविजुअल को मिलता है सर, जो एक HUF को भी मिलता है सर, और ये पर्टिकुलर डिडक्शन जो मिलता है वो डिडक्शन का क्वांटम है सर 10,000 रुपीज तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। ज्यादातर लोग सेविंग बैंक इंटरेस्ट को ऑफर नहीं करते सोचते हुए कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, ऐसा नहीं है सर। 10,000 से ऊपर का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपका सेक्शन 56 जैसा मैंने पहले बोला उसके अनुरूप टैक्सेबल होगा। ATTTB सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सर ATTTB में 50,000 का कंसोलिडेट डिडक्शन है जिसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी शामिल है। अगर आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट की आय से कोई ATC का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ATD में मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, या आप ATG में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन यानी दान करते हैं, तो आपको उनका भी डिडक्शन इस इनकम के अगेंस्ट में लेने की अनुमति है। अब प्रश्न है सर, व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन इट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर टैक्स रेट क्या लगती है? इसका बहुत सरल सा आंसर है सर कि इनकम टैक्स के लिए सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और इस सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के टैक्सेबल होने की दशा में यहां पर स्लैब रेट लगेगी, यानी स्लैब रेट के अलावा कोई और स्पेसिफिक रेट यहां पर सेविंग बैंक इंटरेस्ट के टैक्सेबल के संदर्भ में नहीं बताई गई है। इट मींस योर सेविंग बैंक इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एज पर योर नॉर्मल स्लैब रेट, इन वॉट एवर स्लैब रेट यू फॉल अकॉर्डिंगली योर टैक्स लायबिलिटी ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट वुड बी पेएबल। Now, why tax not deducted on saving bank interest? इसका लॉजिक मैं आपको दे देता हूं सर। सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा बोला गया कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर जो ब्याज दिया जाएगा बैंकों द्वारा, कॉपरेटिव बैंकों द्वारा, उस पर TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए सर, TDS नहीं काटने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, इनकम टैक्सेबल है, केवल आपको TDS नहीं काटा गया। और ये TDS नहीं काटने की वजह से क्या होता है कि वो एंट्री आपके 26S में नहीं दिखती, और फिर बहुत सारे लोग ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि साहब सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल ही नहीं है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज बी क्लियर अबाउट इट। इवन इफ TDS इज नॉट डिडक्टेड ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट, दिस पर्टिकुलर इनकम इज टैक्सेबल। नाउ व्हाट इफ यू हैव अ ज्वाइंट अकाउंट, मान लीजिए मैंने मेरी वाइफ के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, उस ज्वाइंट अकाउंट में उनका पहला नाम है, दूसरा नाम मेरा है, हमें साल का 40,000 रुपीज का सेविंग बैंक इंटरेस्ट का अर्निंग आया। तो सर ये 40,000 रुपीज का
इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरी वाइफ के हाथ में या मेरे हाथ में? इसका उत्तर है सर कि उस खाते में फंड्स किसने डाले। मान लीजिए मेरी वाइफ ने पैसे डाले हैं, मैंने तो कुछ नहीं डाले, तो उनके हाथ में। मैंने डाले हैं, उन्होंने नहीं डाले, तो पूरा मेरे हाथ में। दोनों ने ही लगभग 50-50% डाले हैं, तो दोनों के हाथ में। आई मीन टू से सर, आप ये अंडरस्टैंडिंग मत लीजिए कि जिसका पहला नाम है उसके अकाउंट में ही सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। इट वुड डिपेंड अपॉन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टू द रिलेवेंट अकाउंट। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, व्हाट इफ यू डोंट रिपोर्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट इन आईटीआर। तो अगर मान लीजिए मैंने सेविंग बैंक इंटरेस्ट अपनी आईटीआर में नहीं बताया, तो क्या मैं ऐसा शांति का नींद ले सकता हूं या ध्यान कर सकता हूं? तो आंसर विल बी नो। इट मींस अगर मेरा 10,000 से ऊपर का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, मैं रेजिडेंट हूं, सीनियर सिटीजन नहीं हूं, या सीनियर सिटीजन हूं, 50,000 से ऊपर का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, और मैं 80 TTA 80 TTB के अलावा अमाउंट पर टैक्सेबल हूं, तो ऐसी परिस्थिति में सर, अगर मैं उस सेविंग बैंक इंटरेस्ट को अपनी आईटीआर में नहीं बताऊंगा, तो कल न केवल टैक्स बनेगा, इंटरेस्ट भी बनेगा, पेनल्टी भी बनेगी। सो वन हैज टू बी कॉशियस ऑन दैट वन शुड ऑफर सच पर्टिकुलर इनकम इन हिज और हर आईटीआर टू सेव हिम फ्रॉम फ्यूचर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर बनाई गई ये छोटी सी वीडियो आपका ज्ञानवर्धन करने में सहायक होगी। यदि आपके और कोई प्रश्न हो सेविंग बैंक इंटरेस्ट से रिलेटेड, आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।